दुनिया में हर किसी की चाहत होती है कि उसका बच्चा होशियार, जीनियस किड्स और समझदार बने, लेकिन अक्सर लोग इस बात की शिकायत करते नजर आते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद उनका बच्चा जीनियस नहीं है। क्या आपको भी अपने बच्चे को लेकर इस तरह का डाउट अक्सर दिमाग में आता है? क्या आप भी अपने बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं? चलिए यहाँ जानते हैं कि बुद्धिमान इंटेलिजेंट किड्स यानी जीनियस बच्चों में क्या खासियत होती है। अगर आप इन पर गौर करेंगे तो आप अपने बच्चे को पहचान पाएंगे। जीनियस बच्चों की खास आदतें, गुड हैबिट्स ऑफ इंटेलिजेंट किड्स। टाइम मैनेजमेंट। जीनियस और होशियार बच्चे अपने समय को बर्बाद करने के लिए नहीं जाने जाते। उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत गजब का होता है। वो पढ़ाई में भी समय पर काम पूरा करते हैं और हर दूसरे काम को भी समय पर डील करने के लिए जाने जाते हैं। समय पर नोट्स बनाना, समय पर रिवीजन करने के चलते उन पर किसी भी काम का एक्स्ट्रा बोझ नहीं होता। अगर आपका बच्चा पढ़ाई की बातों को अच्छे से सुनता है और लगातार नोट्स बनाता है तो आपको समझना चाहिए कि वो सही राह पर जा रहा है। होशियार बच्चे एक्टिव लिसनिंग और नोट्स बनाने में होशियार होते हैं। इससे उनकी समझने और करने की ताकत में इजाफा होता है। पढ़ाई पर फोकस करते हैं जीनियस बच्चे। होशियार बच्चों की खास आदत में लगातार सीखने की आदत शुमार होती है। ये बच्चे लगातार पढ़ते और सुनते हैं। किसी चीज को पीछे अधूरा छोड़कर आगे बढ़ना इनकी आदत नहीं होती। बुद्धिमान बच्चे सब कुछ नहीं पढ़ते। ऐसे बच्चे दरअसल इस कॉन्सेप्ट पर यकीन करते हैं कि किसी बात को समझकर उसका हल कैसे निकाला जाए। इसलिए किसी चीज को समझने के लिए क्या और कैसे पढ़ा जाए, ये बच्चे जानते हैं। होशियार बच्चे संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हैं। हर कोई पूरी तरह होशियार नहीं होता। पढ़ना लिखना या कुछ सीखना है तो आपको मदद की जरूरत पड़ सकती है। समझदार और होशियार बच्चे अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों जैसे टीचर, ऑनलाइन टूल, हेल्प बुक्स आदि का यूज करना जानते हैं। सवाल पूछने में पीछे नहीं हटते। समझदार बच्चे अपने सवालों को कभी नहीं छोड़ते। ऐसे बच्चे हर क्लास को अटेंड करते हैं और बार बार सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हर बात का हल जरूरी है। ये अपने शिक्षकों के साथ डिस्कस करते हैं और अपनी थ्योरीज को क्लियर करते हैं। इनका टारगेट क्लियर होता है। बुद्धिमान बच्चे सब कुछ नहीं पढ़ते। ऐसे बच्चे दरअसल इस कॉन्सेप्ट पर यकीन करते हैं कि किसी बात को समझकर उसका हल कैसे निकाला जाए। इसलिए किसी चीज को समझने के लिए क्या और कैसे पढ़ा जाए, ये बच्चे जानते हैं। इनका टारगेट क्लियर होता है। ऐसे बच्चों का लक्ष्य पूरी तरह साफ होता है। इनको जो करना है उसी दिशा में पूरी तरह खुद को झोंक देते हैं। ये अपने टारगेट को फोकस करते हैं और फिर लगातार प्रोग्रेस करते हैं।